4x4 में देखो ट्रैक्टर तो बहुत आ रहे, लेकिन भैया जी कह रहे कि 4x4 में एक ही ट्रैक्टर आ रहा। तो सबसे पहले भाइयों किसान भाई से मिलो। तो फैक्ट्री में आपके एक ही ट्रैक्टर आ रहा 4x4 एक ही ट्रैक्टर आ रहा, बाकी सब तेल खावे तो जैसा आप करने डाल रहे तो पूरा मजा दे रहा। नहीं 4x4 इसमें ट्रोली में रोड पे थोड़ी जरूरत पड़ती होगी, खेत में तो चलाना पड़े। हाँ खेत में से लाना पड़ा है भाइयों। न्यू हॉलैंड का देखो 47-10 क्या हाल है, वाह बढ़िया। 4x4 में है भाइयों, 47 HP में कितने में? 50 में आया। चलो एक मिनट बंद कर लो, कर यहाँ कोई करो कहाँ को यही कर दो, कोई बात नहीं। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच पे, फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज मैं अपने दोराला सुगर मिल में हूँ और आज 3 तारीख है। फैक्ट्री भी देखो एक दो दिन में बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे भाइयों आज जो हमें किसान भाई मिले, इनके पास में भाइयों ट्रैक्टर है ये न्यू हॉलैंड का 47-10 4x4 में किसान ने लिया। एक ही ट्रैक्टर आ रहा ना? हाँ जी। तो भाइयों हमारी फैक्ट्री में गन्ना डालने के लिए सिर्फ एक ही ट्रैक्टर आ रहा 4x4 में। देखो ट्रैक्टर तो बहुत आ रहे, लेकिन भैया जी कह रहे कि 4x4 में एक ही ट्रैक्टर आ रहा। तो सबसे पहले भाइयों किसान भाई से मिलवा दूँ एक बार, मैं इनका परिचय करा दूँ, उससे बाद में ट्रैक्टर के बारे में जानकारी लेंगे। तो हाँ जी भैया क्या हाल है जी? बढ़िया जी। भैया थोड़ा सा तो बड़ा किसान भाई का परिचय करा दो। भाई मेरा नाम पारुल सोलंकी। अच्छा अच्छा, गाँव जी? सरधना। सरधना से जी? हाँ। अच्छा अच्छा, तो फैक्ट्री में आपके एक ही ट्रैक्टर आ रहा 4x4? 4x4 एक ही ट्रैक्टर आ रहा, बाकी सब तेल खावे। तेल खावे तो जैसा आप करने डाल रहे तो पूरा मजा दे रहा। नहीं 4x4 इसमें ट्रोली में रोड पे थोड़ी जरूरत पड़ती होगी, खेत में तो चलाना पड़े। हाँ खेत में से लाना पड़े तो बनते का अटक जावे जहाँ जी करे। अच्छा अच्छा, अब तो सिंगल ही 2x2 में ही आता होगा ना। अच्छा एक बात बताओ जी, इससे पहले कौन सा ट्रैक्टर चला थे? इससे पहले 32-30 था न्यू हॉलैंड। अच्छा पहले, उससे पहले महिंद्रा 575 था। तो ये 4x4 पहले देखा कहीं काम करते हुए, कैसा मन माएगी 4x4 लिया था? बस काम नाम देख करके, जैसा खेत में ट्रोली प्रोली नहीं लिख देती जी, इसे देख करके यो कार्ड लावे कैसी ट्रोली गेल। अच्छा जी, पूरा गोट डुलो दसी हुई गेल बार। अच्छा तो इसमें कुछ ऐसा नहीं रहता कि आगे वेट का कुछ हिसाब होता हो? वेट है इसमें ऑलरेडी। नहीं जैसे ट्रोली से पीछे दाब आ जाते होगी तो अगले पहिए जोर का लगाते होंगे? दो आदमी खड़े कर दो आप। अच्छा दो आदमी खड़े कर लो। हाँ किसान के तरह तो सब जुगाड़ है। गेल पहिए तड़ा दिख जाए, पहिए तड़ा दिख तो जोर लगा। तो भैया जी कितने घंटे चली गया ट्रैक्टर आपके? ट्रैक्टर 389 चल गया। तो एक चीज बताओ, आप साइड शिफ्टिंग गियरों में आया भाइयों, सबसे पहले तो मैं दिखा दूं ट्रैक्टर के बारे में, बताओ कुछ खास बात अपने किसान भाई। खास बात ये है कि टीलर कहीं गियर ले, रोटर कहीं गियर ले। हाँ दबता नहीं। कितने एचपी में जी? यू 50 HP में। तो भाइयों न्यू हॉलैंड ने 50 HP में निकल रहा है 4x4, और किसान भाई ने जो है देखो साइड शिफ्टिंग गियरों में भी है। डीजल का देखा जी एवरेज कुछ? डीजल का बढ़िया है, 575 से कम है। 575 से कम है? कम है। अच्छा कितना मतलब? अच्छा एक चीज बताओ आप, जैसे आप इसे खेत में चला रहे जी, कौन सी टीलर पे ज्यादा बढ़िया काम करे 4x4? रूटर पे जरूरत पड़ती नहीं? रूटर पे भी पड़ा है। रूटर पे पड़ा है? रूटर पे रूटर धसा लगा है, 4x4 लगा दे साढ़े को लेकर भाग ले। अच्छा अच्छा, नहीं ज्यादा काम तो वैसे टीलर पे पड़ता होगा है ना। अरे गन्ने की ट्रोली में बताई दी आपने, जैसे तो खास सरदाना या कोई सा काम जी? खास सरदाना जी, देवी मंदिर है जी, देवी मंदिर सरदाना। अच्छा अच्छा, तो कितनी खेती कर रही थी इससे? 50 बीघे की। तो कुल मिला के ट्रैक्टर से संतुष्ट हो? आने वाले टाइम में किसान को 4x4 ही लेना पड़ेगा। 4x4 लेना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, काम चलेगी। हाँ डीजल की बचत इसी से होता है, फर्क नहीं है 2x4 में, कोई फर्क नहीं डीजल का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतना ही 2 ले इतना ही 4 ले। हाँ पर बाकी मजा आ रहा ट्रैक्टर में चला के। हाँ जी बिल्कुल मजा आ रहा, जमका आ रहा बिल्कुल। तो भाइयों ट्रैक्टर को देख लो आप, बहुत ही हैवी रिम वगैरह देख लो आप, और बोटी जो है न्यू हॉलैंड ने बहुत ही मजबूत करके बना रखी ट्रैक्टर की। ये देख लो जी 50 HP की कैटेगरी में बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर निकाला, और किसान भी पूरी तरह से संतुष्ट है इस ट्रैक्टर से। है जी एक वाला इंजन है इसमें, न्यू हॉलैंड का अपना। अच्छा न्यू हॉलैंड का अपना ही? वो सैमसंग वाला नहीं है। कौन सा वाला बताया आपने? इबेको का। अच्छा एक्सल क्या लिख रहा है वो? अच्छा अच्छा भाइयों, आगे के रिम देख लो, ट्यूब देख लो, और पावर स्टेरिंग के साथ में है, सिंगल एक्टिंग पावर स्टेरिंग है। पावर स्टेरिंग सिंगल एक्टिंग है, डबल पावर स्टेरिंग सिंगल है, सिंगल एक्टिंग है। हाँ भाइयों सिंगल पावर स्टेरिंग है।
साइड शिफ्टिंग गियर हो गए। बाकी भाइयों पीछे तो देखो कितने मजबूत तरीके से ट्रैक्टर दे रखा, और किसान ने बाकी की जानकारी दे दी। हाँ नामी मिस्त्री भाइयों, टिपला जो है मसूरी का बना हुआ है। हाँ बाहर के डाले बना रखे होंगे भाइयों, टिपलर हमारे यहाँ पे पूरा फेमस है मसूरी वालों का, तो बहुत बढ़िया तरीके से बना रखा। टिपलर लेगा नहीं कोई नहीं आ रहा था। अच्छा सब वैसी लावत है। हाँ सही कह रहे हैं।